तो क्या आपको ये पता है कि कॉफी का इन्वेंशन कैसे हुआ था? अगर आप उसके बारे में सुनोगे तो आप चौंक जाएंगे। ऐसे ही मैंने 5 ऐसी चीजें बताई है जो गलती से बन गई है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आप कहोगे कि ओह माय गॉड वाओ। फैक्ट नंबर 5, पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन एक रेस्टोरेंट में हुआ था। दरअसल एक कस्टमर ने फ्रेंच फ्राइज मंगाए थे, लेकिन फिर उसने कंप्लेंट की कि ये फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे है, और कहा कि ये शेफ्स इनएक्सपीरियंस्ड है। फिर जो शेफ था उसने इस बात को दिल पे ले लिया था, और इसने फिर एकदम से पतले आलू काटे, उन्हें डीप फ्राई किया और उसमें नमक डाल दिया, और ऐसे इन्वेंशन हुआ था चिप्स का, और ये टेस्ट कस्टमर्स को बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। फैक्ट नंबर 4, कोका कोला का इन्वेंशन भी गलती से हुआ था। जॉन पेम्बर्टन स्टाइट नाम के फार्मासिस्ट ने इसे गलती से बना दिया था। दरअसल वे सिर दर्द का इलाज करने के लिए अपने लैब में सिरप बनाने के लिए कोका नट्स और कोका की पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, और उनके लैब असिस्टेंट ने कोका नट्स और कोका की पत्तियों को कार्बोनेट वाटर से मिला दिया, तो उससे एक पेय पदार्थ बन गया, और ये टेस्ट काफी लोगों को पसंद आ गया, और इसी तरह कोका कोला का इन्वेंशन हुआ। फैक्ट नंबर 3, कॉफी जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ है, उसका आविष्कार किसी बड़े इन्वेंटर ने लैब में नहीं बल्कि गडरिया जो बकरी चराता था उसने किया था। वो गडरिया इथियोपिया का रहने वाला था। ऐसे ही एक दिन वह बकरी चराने के लिए जंगल में गया था। वह उसकी बकरियों ने किसी पौधे से लाल बेरिया खा ली थी, और उसे खाने के बाद वह ज्यादा उछल कूद करने लगी थी मानो उन्हें कोई नशा हो गया हो। तभी उस जंगल में एक तरफ से बहुत तेज रोशनी चमकने लगी, और वह गडरिया उस रोशनी की तरफ चला गया। उस रोशनी में से आवाज आने लगी कि आप इसी बेरी से कॉफी बना सकते हो, आप इसी बेरी से कॉफी बना सकते हो, और इसी तरह कॉफी का आविष्कार हुआ। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। तो बात ये कि गडेरी को समझ आ गया था कि यह पौधा नशीला है, और उस गडेरी ने उस पौधे की कुछ बेरियां तोड़कर ले ली और अपने गांव की तरफ आ गया। गांव आकर उसने यह बात वहां के पादरी को बताई। पादरी ने उन बेरियों को लेकर उन्हें उबालकर पिया। उसे पीने के बाद पादरी को भी कुछ अलग महसूस हुआ, उन्हें अपने अंदर ज्यादा एनर्जी लगने लगी। पादरी ने भी लोगों को नींद भगाने के लिए इन्हीं बेरियों को उबालकर पीने का उपाय बताया। इथियोपिया से यह कॉफी अरब जाने लगी। अरब में कॉफी पीने का चलन बहुत तेजी से बढ़ा, और इसी तरह दूसरे देशों में भी कॉफी पहुंच गई, और इसी तरह कॉफी का इन्वेंशन हुआ था। फैक्ट नंबर 2, टी बैग्स का इन्वेंशन भी गलती से हुआ था। थॉमस सेल्वेंट जो कि वो एक टी के मर्चेंट थे, उन्होंने अपने टी के सैंपल अच्छे प्रेजेंटेशन के रूप में छोटे छोटे सिल्क के पाउच में डालकर देने लगे। हालांकि उनका टी बैग्स बनाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, बट कस्टमर को ये छोटे छोटे सिल्क पाउच से बने टी बैग्स काफी पसंद आने लगे, और इसी तरह जन्म हुआ मॉडर्न टी बैग्स का। फैक्ट नंबर 1, चॉकलेट चिप्स कुकीज तो आपने खाई होगी, तो उनका इन्वेंशन भी गलती से हुआ था। टोल हाउस कॉर्पोरेशन के को ओनर रूथ क्रेव मैकफेल के घर आए गेस्ट के लिए, जब वो चॉकलेट कुकीज बनाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने ध्यान दिया कि चॉकलेट पाउडर ही खत्म हो गया है, और उतना समय भी नहीं था कि वो बाहर जाकर चॉकलेट पाउडर ला सके। तो उन्होंने तभी नेस्ले की चॉकलेट बार्स को तोड़कर चॉकलेट के कुछ टुकड़े तोड़कर कुकीज डॉ में डाल दिए, ये सोचकर कि ये पिघल जाएंगे, और ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस जगह दुनिया का पहला चॉकलेट चिप्स कुकीज तैयार हो गया, और इसी तरह इन्वेंशन हो गया था चॉकलेट चिप्स कुकीज का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ ऐसी ही स्टनिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।